The soul stunning microphone. बादल कितने लकी होते हैं, उन्हें कोई टेस्ट नहीं देने पड़ते। ओ, मुझे टेस्ट से बहुत नफरत है। ये क्या है, तुम अभी तक यही हो नोबिता? सर, मैं घर नहीं जा सकता। पर क्यों? सर ये देखिए, मुझे फिर से जीरो मिला है और इसी वजह से मैं घर नहीं जा सकता। मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा होगा, मगर तुम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते। मुझे पता है तुम्हें जीरो मिला है, ये अच्छी बात नहीं है, मगर जो चीज हो चुकी है उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखें सामने क्यों लगी है? वो इसलिए ताकि तुम जिंदगी में कभी उदास ना हो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। मेरी बात को समझे नोबिता, जो हो गया वो हो गया। थैंक यू सर। तो अब समझा, हमें कभी उदास नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या बात बोली है, मुझे तो अभी तक करंट लग रहे हैं। इससे पहले कि मैं ये सब भूल जाऊं, मुझे किसी को ये बात बता देनी चाहिए। क्या सच में ऐसी बात है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। शिजुका! अरे नोबिता, तुम यहाँ? तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास एक शानदार कहानी है। वो कहानी तुम्हें इतना मोटिवेट करेगी कि तुम्हें करंट लगने शुरू हो जाएंगे। कहानी किस बारे में है? तुम्हें पता है, हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ? ये देखो, ये आंखें हैं ना, इनकी मदद से हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। क्या आंखों की? ये तो आसान हा? है, अगर वो पीछे की तरफ लगी होती तो हम बालों की वजह से कुछ भी नहीं देख पाते। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो ठीक है, हम तो जा रहे हैं, बाय बाय। मुझे माफ करना नोबिता। इन दोनों को क्या हो गया है? मेरी कहानी सुनने में इन दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बुद्धू, चलो भी सुनियो, प्लीज एक बार मेरी कहानी सुन लो और जवाब दे दो। मैंने बोला ना, छोड़ो मुझे, मुझे क्रैम स्कूल जाना है, समझे तुम? और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, छोड़ो तुम। हाँ, तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि तुम एक नंबर के बुद्धू हो। एक नंबर का बुद्धू मैं नहीं, बल्कि तुम हो नोबिता, समझे? हाँ, ऐसा क्यों होता है कि जब मुझे किसी से बात करनी होती है तो कोई नहीं मिलता है? मैं घर आ गया हूँ। आ गए नोबिता? बेटा, आज तुम्हारे मैथ्स का रिजल्ट आया होगा, दिखाओ जरा। मॉम को अभी तक याद है। हाँ? टेस्ट पेपर दिखाने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें उदास नहीं होना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर तुम उदास नहीं होना चाहते तो दिखाओ अपना टेस्ट पेपर। ठीक है मॉम। नोबिता, आज फिर तुम्हें जीरो मिला। वो जो हो गया सो हो गया मॉम, हमें आने वाले कल पर ध्यान देना चाहिए। तुम चुप रहो नोबिता, अपनी बातें अपने पास रखो, तुम्हें हर बार टेस्ट में जीरो ही क्यों मिलता है? आज तो नोबिता को एक घंटा हो गया, उसको तो आज बहुत डांट पड़ी होगी। डोरेमोन, मैंने मॉम को, शिजुका को और सुनियो को एक शानदार कहानी सुनाने की कितनी कोशिश की, मगर कोई भी मेरी बात ही नहीं सुनना चाहता। पर किस तरह की कहानी नोबिता? वो कहानी बहुत ही सच्ची और जबरदस्त है डोरेमोन। पर ये बताओ, उसे कोई भी क्यों नहीं सुनना चाहता? कोई भी मेरी बात पर ध्यान नहीं देता। अगर तुम चाहो नोबिता तो तुम मुझे वो कहानी सुना सकते हो। सच में तुम सुनना चाहते हो? हाँ, दोस्त होते किस लिए है। थैंक यू डोरेमोन, तुम कितने अच्छे हो। तो चलो अब मुझे वो कहानी सुना दो, मैं इस कहानी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। क्या ये सच है कि हमें कभी उदास नहीं होना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए? क्या कहा? है ना मुश्किल सवाल, पड़ गए ना तुम भी सोच में डोरेमोन। क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ, कोई करंट लगा क्या? कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या कहूँ? तो ऐसी बात है, अच्छा जाने दो, कोई भी मेरी बात नहीं सुनता और ना ही मुझे समझने की कोशिश करता है। मैं अकेला ही खुश हूँ, मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं। मेरी कहानी मजेदार नहीं लगी तो ना लगे। नोबिता, तुम इतने निराश मत हो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही खास चीज है। माइक्रोफोन। हाँ, ये किस तरह का गैजेट है डोरेमोन? इस माइक से सोल को स्टर करने वाली वेव्स निकलती हैं, जो सुनने वाले की सोच को बदल देती है और वो इमोशन से भर जाता है और कांपने लगता है। हाँ? क्या सच में? हाँ? नोबिता, तुम्हारे हाथ में ये बहुत अच्छा लग रहा है। डोरेमोन, क्या कहा, सच में? हाँ, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे कहीं नहीं मिल सकता नोबिता। डोरेमोन, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं बाहर जा रहा हूँ सबको हिलाने, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। नोबिता बेटा, तुमने अभी अभी क्या बोला, बताओ जरा। मैं खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। नोबिता मेरे प्यारे बच्चे।
कितनी प्यारी बातें करने लगे हो बेटा, मुझे तुम पर गर्व है सच में। मॉम छोड़ो मुझे, मेरी बात मॉम को इतना इमोशनल बना देगी मुझे तो यकीन ही नहीं होता। क्या यहाँ आसपास में कोई नहीं है? अरे वाह कितनी प्यारी बात बोली तुमने। प्लीज क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर से वही बात बोल सकते हो? कौन सी बात? जो मैंने अभी बोली थी? हाँ, वही बात जो तुमने अभी अभी बोली थी। प्लीज सर आप ये क्या बातें कर रहे हैं? सुनो क्या यहाँ आसपास कोई नहीं है? तुमने कितने दर्द भरे अकेलेपन की बात कही है, एक ऐसा अकेलेपन जिससे मुझे बहुत दुख होता है। क्या यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे शादी करना चाहेगी? ये इतना ताकतवर है कि डर लगने लग गया है। ये कितने ताकतवर लग रहे हैं। अरे वाह 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 मजा आ गया, तुमने कितनी शानदार बात कही है। हाँ। वाकई बहुत शानदार बात कही तुमने, मुझे घर जाकर दादी माँ को ये बात बतानी चाहिए। हाँ? ये कितना बुरा है, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी हर बात पर रोने या भागने लगे। मैं इसे भी रख देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तब बाहर निकाल लूंगा। हे जियान। हे इनोबिता, तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? जाओ अपना ग्लव ले आओ। खेलने से पहले मैं तुम्हें एक शानदार बात बताना चाहता हूँ, वो बात इतनी शानदार है कि सुनकर तुम कांपने लगोगे। क्या कह रहे हो नोबिता, तुम हमें एक ऐसी कहानी सुनाओगे? विश्वास नहीं होता। तुम हमें जबरदस्त कहानी सुनाओगे? यकीन नहीं होता बुद्धू कहेंगे। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? और नहीं तो क्या, ये हंसने की ही बात है। तुम और हमें कहानी सुनाओगे नोबिता? मैं जरूर सुना सकता हूँ और मैं तुम लोगों को जरूर सुना के दिखाऊंगा। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो तो फिर कहानी सुनाना शुरू कर दो, हम सुनेंगे। हाँ सुनाओ ना कहानी। ठीक है, मगर अच्छा होगा अगर मैं ये कहानी किसी बड़े ग्रुप को सुनाऊं, समझे? नोबिता तुम यहाँ? क्या कहानी अच्छी नहीं लगी तो तुम उल्टे हो जाओगे? सुनने में मजेदार लग रहा है, चलो चलकर देखते हैं ये उल्टा कैसे होगा। हम सब यहाँ आ गए हैं, चलो अब अपनी कहानी सुनाना शुरू करो। हाँ चलो शुरू हो जाओ। ये बात है तो मैं अपनी कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। मेरा माइक गायब है, कहाँ गया? क्या तुम्हारा फिर से कोई बहाना शुरू हो गया? हमने कहा था अगर तुम कहानी नहीं सुना पाए तो उल्टे खड़े हो जाओगे। नहीं नहीं एक मिनट रुक जाओ, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट माइक खो गया है। नोबिता चुपचाप कहानी सुनाना शुरू करो, समझे तुम, वरना उल्टे खड़े हो। एक मिनट रुको, मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें एक हिला देने वाली कहानी सुनाऊंगा। हमें तो इसके बाद भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। नोबिता तो है ही एक मतलब बुद्धू। अजीब बात है, मैंने वो अपना माइक कहाँ गिरा दिया। आ जाओ सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। वाह वाह क्या बात है, कमाल। ओह क्या शानदार आवाज है, पर ये है किसकी आवाज? आ जाओ सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। हाँ इनकी आवाज कितनी अच्छी है ना। हाँ तुमने बिल्कुल सच कहा, मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ। अरे ये सब हो क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी आवाज़ सुनकर मुझे रोना क्यों आ रहा है, मेरे तो आंसू रुक ही नहीं रहे। अरे पर बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? हे मिस्टर माफ करना कि सभी लोग इतने इमोशनल हो रहे हैं, पर माफी चाहता हूँ, वो माइक मेरा है, प्लीज वो माइक मुझे वापस कर दो। मजा आ गया, अब मैं उनको कहानी सुनाऊंगा और वो मेरे कितने बड़े फैन बन जाएंगे। तुम सब लोग मुझे ढूंढने जा रहे हो ना? रास्ते से हट जाओ नोबिता। तुम सब कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मेरी हिला देने वाली कहानी नहीं सुनोगे? हे नोबिता जल्दी चलो। क्या डोरेमोन तुम भी नहीं रुक सकते? रुको डोरेमोन। डोरेमोन क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? अरे नोबिता हमारी स्टार सुबासा अभी पार्क में आने वाली है, सच में। क्या कहा तुमने, सुबासा आ रही है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुबासा है, मैं यहाँ एक दिन की पुलिस चीफ बनकर आई हूँ ताकि आप सभी को ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में बता सके। देखो सब उसे कितना चाहते हैं। हाँ डोरेमोन तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को अपना एक गाना सुनाना चाहती हूँ। सुन पाना हमारे लिए कितने मजे की बात है ना। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो
मेरे जितना अच्छा तो नहीं गाती हैं, लेकिन फिर भी ठीक ही गा लेती हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये नोबिता ने अभी अभी कितनी अच्छी छींक मारी है, सब लोग इसी की तरफ देख रहे हैं। नोबिता, वो कितनी शानदार छींक थी। मजा ही आ गया है ना? नोबिता, तुम एक महान कलाकार हो। नोबिता, एक बार फिर से छींको प्लीज। वो इंसान जिसने अभी स्नीज किया है, मैं चाहती हूँ एक बार वो मेरे साथ स्टेज पर आकर स्नीज करे। क्या? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। नोबिता, बचाओ, कोई प्लीज मुझे बचाओ। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों?